दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आजकल आप मार्केट में देख रहे हो कि बहुत सारे ब्रोकर जो है ना, वो डीमैट के लिए इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं पहले तो आपको बता दूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दूसरी चीज़ है कि दुनिया के अंदर जहाँ पे आपकी ब्रेन वॉश की जाती है, बस वो ब्रेन वॉश को बाहर से निकालना वही मेरा मकसद है। कि आप लोग है ना, जैसे ये टिप मिलती है तो टिप है ना, ब्लाइंड गेम है। एक टिप के अंदर कमाओगे, दूसरी टिप के अंदर रख दोगे। मतलब कि ये कल मैंने एक मूवी देखी थी जिसको कहते हैं वॉल स्ट्रीट, जो अमेरिका की 1992 की या 1982 की कोई फिल्म थी, वहां पर जिसमें टाइटेनिक वाले हीरो ने ना किरदार निभाया था। तो उस फिल्म के अंदर जब वो जो बंदा है ना, वो ब्रोकर के पास जाता है, बोले मुझे ब्रोकर बनना है। तो बोले बंदा है ना, तुझे ब्रोकर बनने से बोले ना तुझे हमारे हाथ के नीचे काम करना पड़ेगा। तो बोले मैं ना लोगों को कमा के देना चाहता हूँ। पहले उसे पूछा कि तू क्या करना चाहता है, बोले लोगों को कमा के देना चाहता हूँ ताकि अपनी कंपनी का नाम रोशन हो। तो उसने क्या बोला पता है आपको, कि देख भाई, अगर मान लो तू लोगों को कमा के देना चाहेगा ना, तो कभी जिंदगी के अंदर है ना तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तू अगर मान लो ब्रोकर के हाथ के नीचे काम करता है, तो तुझे लग चाहिए ब्रोकर का कमीशन। तो ब्रोकर का कमीशन कहाँ से मिलेगा? तो तू ऐसी ऐसी कॉल निकाल के दे लोगों को, ऐसे ऐसे स्टॉक निकाल के दे, पेनी स्टॉक निकाल के दे, जहाँ से लोग है ना तेरे बोलने पर, तेरी मास्टरी पर है ना कॉल बाय कर ले। 8,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, तेरा बोलने की स्टाइल की वजह से, तेरे में सेल्समैनशिप है। तो उसको है ना इस तरह से बताया जाता है। और बोले पूरा का पूरा है ना तू बस इस नशे में चला जा के तुझे पैसा बनाना है। देखो पैसा बनाना बहुत आसान है, ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हाथ मजदूरी चलाने वाला भी इंसान पैसा बनाता है। और बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना, अलग अलग कंपनियां बना के उसके अंदर से रॉयल्टी इनकम बनाती है। यहाँ पर म्यूजिशियन जो है अपना एक बार म्यूजिक चला देता है तो उसका म्यूजिक हिट हो जाता है, तो उसकी पूरी लाइफ टाइम 7 पीढ़ी की इनकम बन जाती है, जिसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। तो देखो रिस्पेक्ट से पैसा कमाओ उसमें बहुत अंतर है, और लोगों को बकरा बना के पैसा कमाओ ना उसमें बहुत अंतर है। तो देख लो यहाँ पर है ना बैंक निफ्टी का फुट 44,000 का फुट, यहाँ पर 140 का बाई कहा था, 110 रुपये एसएल कहा था। देखो भैया मैं आपको बता दूँ, एसएल ही इनकी इनकम है। अब एक जो कॉल है ना यहाँ पर 85 रुपीज को दी थी 50 रुपये का, तो ये बुक हो गई। अब है ना इसके फॉर्मूले के बारे में बता दूँ आपको, मैं ये फॉर्मूला स्ट्रेटेजी क्या है ब्रोकर लोगों की, कि आप लोग है ना मान लो कि उनकी एक कॉल के अंदर आप कमाए, आपको लगा ये ब्रोकर ने मुझे 30% कमा के दिया, ब्रोकर आपको दूसरी कॉल तुरंत निकाल के दे रहा है, ब्रोकर की ब्रोकरेज बढ़ रही है। स्ट्रेटेजी सुन लो पहले मेरी, स्ट्रेटेजी अगर नहीं समझी ना तो मान लो आप बकरा बन जाओगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर उनकी ब्रोकरेज के लिए आपको दोबारा दूसरी को आप दूसरी 1,000 क्वांटिटी लेते हो आपको लगता है। तो यहाँ पर जो एसएल है ना, मैंने भाई साहब जो है ना यहाँ पे जो मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मैंने भी उनके साथ डिमेट अपन ओपन करवाया, लेकिन मुझे है ना कुछ ठीक नहीं लगा। कहने का मतलब कि भाई अगर मान लो आप इसी तरह ट्रेडिंग करते रहे तो समझ लो कि आगे वाले दिन के अंदर है ना आपके डिमेट तो बढ़ेंगे, लेकिन डिमेट के अंदर जो है ना आपकी एसएल हिट खाने वाले है ना डीमैट साफ करके चले जाएंगे। बिकॉज कि यहाँ पे 10,000, 50,000, 20,000 का फंड लेके आकर छोटे छोटे डीमैट में छोटा छोटा फंड लेकर छोटा छोटा ट्रेडिंग करने वाले लोग पड़े, जिनको लॉस के 90 डिग्री के फॉर्मूले के बारे में पता नहीं। तो यहाँ पर मैंने भाई साहब को बताया और मेरे ग्रुप के अंदर बताया, मेरा जो ग्रुप है ना जो ज्ञानदीप माइंड पावर, ये एजुकेशन क्लब ग्रुप है, यहाँ पर आपको थोड़ा ही ओपनिंग के बारे में बताया जाता है कि आपके मेडिटेशन लेवल को उस लेवल तक लेके जाए कि आप किसी के भी मन के अंदर घुसकर है ना आप उसको रीडिंग कर सकते हो, जिसको कहते हैं माइंड रीडिंग कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं टेलीपैथी। अगर टेलीपैथी नहीं आ रहा है तो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पर ध्यान, मेडिटेशन, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन जो आधार स्तंभ है ना, तो उसकी कैसेट आपको कुछ दी जा रही है और आपको उसके बेसिक पर है ना अध्यात्म के ऊपर प्रवचन दिया जा रहा है, जो आपको मेरा सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये होती है गुरु शिष्य परंपरा। अगर मान लो कॉपी पेस्ट किया तो भैया यहाँ पर है ना ऐसे रीड होने वाली है, या तो डिमेट साफ होने वाला है, और खड़े रहे तो बता, मान लो कि एक बार तो आपको कॉल मिला, दोबारा तो ऐसे हुई, फिर वो कॉल चली, क्या मतलब मुझे बताओ। चलो तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग ब्लाइंड गेम ना खेले। मेरे मेरे ग्रुप के अंदर ये है ना कॉल मैंने शेयर की, मैंने बोला ये भाई साहब जो है ना ये मराएंगे अभी 44,000 पी 140 बाई एसएल 140 के बाद में कभी बाय नहीं होता है। इसका जो पॉइंट होता है ना 55, जहाँ पे 110 एसएल लिखा है वहां पे होता है 55, जिसको कहते हैं कि 125 यानी 130 डिग्री का एसएल होता है वहां पे। तो यार एसएल देने से पहले कॉल देने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा तो एक कॉल में कमा के देते। तो मैंने क्या किया यहाँ पर रिवर्स शेयर दिख लिया, देख लो सीधा गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पर सीधा गैप अप ओपन हो गया। और मैंने क्या बोला पता है कि ये जो कैंडल है ना ये 420 तक आपको लोअर देने वाली है, 420 तक ये कैंडल हायर देने वाली, यानी प्रीमियम उल्टे जा रहे हैं यहाँ पर, 420 का हायर पे देने वाली है। कहने का मतलब क्यों देने वाली है, बिकॉज कि वो ऊपर से जो गिरा था और बीच का जो पिवट होता है तो वो उसका रेजिस्टेंस होता है। तो आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पे जा रहा है यहाँ पर मेरे बोलने के बाद में,
नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, देख लो कहाँ पे जा रहा है। तो एस एल यार, जरा सी एस एल के लिए क्या काम करने का। तो ये मार्केट जो है ना, इस रजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जाके 750 डिग्री की एस एल कुटकी खा रहा है, जिसको कहते हैं 9 9 6 63 360। 360 का आप आधा करोगे, 130 डिग्री के करीब हो जाएगा। तो 130 डिग्री के करीब है ना, कुटकी प्रीमियम की अंडर वैल्यू एसेट्स होती है। क्या होती है? अंडर वैल्यू एसेट्स होती है। और ये प्रीमियम जो है ना, इस तरह से ना सेटलमेंट करते हैं, इस तरह से सेटलमेंट करते हैं। ये रजिस्टेंस है ना, फिर रजिस्टेंस को दिया और यहाँ पे रिट्रेस कर लिया एक बार। यहाँ से आप शॉर्ट्स करो, लेकिन यहाँ तक को तो कम से कम लॉन्ग कर सकते हो ना। तो इतनी जल्दी भी क्या है मार्केट के अंदर? तो अगर मान लो आपको नहीं आता हो मार्केट, तो ये सब पहले मैंने लिख दिया था और मैंने एडवांस में मेरे ग्रुप के अंदर है ना, पहले पहले लोअर दे दिए थे मेरे ग्रुप के अंदर। आप देख लो, पहले देखना हो तो देख सकते हो कि मॉर्निंग के अंदर मेरे ग्रुप के अंदर है ना, मैंने काफी सारे लोग जो है ना यहाँ पर नए नए ज्वाइन हुए जो मेरे ख्याल से, तो सभी लोगों को है ना मैंने लोअर पहले लिख दिए थे कि सर कि ये लोअर है, जिसको कहते हैं कि बीजू की कॉल मिलती है ना, उसका लोअर मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर कॉल के हायर नहीं लिखता, लेकिन कॉल के लोअर जरूर लिखता हूँ। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे ग्रुप के अंदर जाके कि मैंने किसका लोअर सुबह 9:15 बजे दे दिया था, और मार्केट उसी लोअर पर ओपन हुआ। कहने का मतलब ये रहा वो कॉल। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 45,200 सी था ना 7 सितंबर का, इसका लोअर मैंने 81 लिख दिया था एडवांस में, और इसका प्रमाण है ना यहाँ पर पड़ा हुआ है 9:16 को। 9:16 को 81 लोअर लिखना, यानी मार्केट कोई भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। मार्केट आउट द मनी के सारे प्रीमियम को ले रहा है 7 अगस्त 7 सितंबर के, उसी 7 सितंबर के प्रीमियम को लेकर 1 सितंबर जो आती है, तो मार्केट इस प्रीमियम को उछलकर एक हाई पर लेके जाता है। तो 81 का जो वर्ड होता है उसका उल्टा करो, तो आधा करो तो 455 हुआ, 455 उसका आधा करो तो 225 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है ना, अभी 44,200 का जो प्रीमियम है 7 अगस्त का, ये कहाँ जा रहा है? 112 पे जा रहा है। ये चीज सीखने जैसी है मेरे ख्याल से। तो आपने क्या करना है पता है? इस एजुकेशन को सीखो। अगर ऐसे ही मान लो करते रहे ना ट्रेडिंग, मान लो तो समझ लो जो मैंने आपको कहानी बताई ना, वॉल स्ट्रीट की कहानी बताई मैंने, तो वो कहानी का जो किस्सा है ना, कहीं आप बन जाओगे, आपकी बन जाएगी कहानी। और कहानी तो भैया बहुत है मार्केट के अंदर। सर जी आपने कितना लॉस खाया पूरी जिंदगी के अंदर शेयर मार्केट के अंदर? तो बोले 25 लाख का। देखो आपने कोई लॉस खाया नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे ना तो 40 50 लाख की होती थी, तो आपने वो दे दिया ये समझ के चले पहली बात तो। लेकिन वो फी देने के बाद में भी अगर मान लो मार्केट को आपको पकड़ना नहीं आता है, तो भैया यहाँ तो गलत फहमी है ना। यहाँ तो समझो कि भैया हमारी एक इनमेच्योरिटी जिसको कहते हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मतलब। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर एक नई शुरुआत करो मेरे साथ और पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब फ्रंट पेज नाम की एप्लीकेशन है, जहां पर आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, जहां पर आपको पुट के लोअर और कॉल के हायर आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ का जो रजिस्टेंस है ये 39 का मैंने टारगेट लगा कर दिया, इसका 39 जैसे आएगा कॉल हिट हो जाएगा। इसका जो टारगेट है 1013 लगा के रख दिया है, इसका टारगेट जो है 112 लगा के रख दिया है जो मैंने बताया। तो मार्केट थोड़ी ना पुट में जा रहा है, मार्केट तो प्लस में जा रहा है यहाँ पे। तो ये है ना, जैसे मैंने बताया था कि 81 का लोअर है, तो ये वाला वो कॉल है जो 81 के लोअर को गया और 79 को गया और 66 को भी गया। बहुत सारे लोग डर गए थे वहां पे। मैंने बोला दोस्तों मेरे, ये 70 का ब्रेकआउट है, मौका नहीं देगा एंट्री को आपको। तो 49 का और एक छोटा सा लोअर था, लेकिन 59 और 56 से तो ऐसे कुल्हाड़ मार दी ना सीधी सीधी पुट में। जो लोग बार 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 एंट्री ले रहे थे ना, तो सबकी एसएल खाली, कहने का मतलब। तो यहाँ पर देख लो जो भी लोग नए ज्वाइन हो ना, वो सारे सारे बहुत से लोगों ने कंटेंट दिए मुझे, कहने का मतलब कि सर जो है ना आपका जो नॉलेज है ना वो सही में यहाँ पे तारीफ काबिल है, कहने का मतलब। तो इस तरह का नॉलेज मार्केट के अंदर होना यानी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कहने का मतलब। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कंटेंट छोड़े मेरे ख्याल से। आप देख लो कि आप है ना ये सोचो कि मुझे सिक्कर ट्रेडिंग करना है, मुझे सिक्कर ट्रेडिंग करना है, मुझे बिना सीखे ट्रेडिंग नहीं करना है, इतना संकल्प खाली लेना है। अगर मान लो आपने बिना सीखे ट्रेडिंग किया, तो जो फीस है ना, फीस एजुकेशन की, वो मार्केट कहाँ पे ले जाएगा बताया आपको? वो खुद ले लेगा। देख लो ये मॉर्निंग का 81 का लोअर दिया और 81 के लोअर पे मैंने कैंडल बनाई और 81 के लोअर पे आया। अगर इस तरह से मान लो आपने एजुकेशन किया, कोई बंदा मान लो लॉस में खड़ा है, उसका लॉस कवर करना चाहते हो ना, तो इतना बता दूं मार्केट में आपको ट्रेनर वो ढूंढना चाहिए, या एजुकेशन उससे लेना चाहिए, या मेडिटेशन की प्रोसेस, टेलीपैथी की प्रोसेस उससे करनी चाहिए जिसको मार्केट को डाइजेस्ट करने आता हो, पहली बात तो। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम करता हूँ। मेरा मकसद जो कहने का मतलब एक था कि ओवर ट्रेडिंग ना करें,
दिन की दो कॉल उठाए, दो कॉल में आपको 100 पॉइंट, 125 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे फुट के कॉल के। बस ट्रेड खत्म करो, एंजॉय करो, कल का कल छोड़ दो, बस सीखने में ध्यान लगाओ, मग्न हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो गुरु मंत्र है ना, जो भगवान श्री कृष्ण का ये गा लिया, और दूसरा गुरु मंत्र एक है भगवान श्री कृष्ण का। अगर मान लो उस फिल्म के अंदर मैंने देखा था कि सारे के सारे ब्रोकर जो है ना पैसों के पीछे पागल थे, आज इतना कमाया ब्रोकर, आज इतना कमाया ब्रोकरशिप, कंपटीशन लगी पड़ी थी, यानी धींगा मस्ती कर रहे थे, कहना के मतलब पैसों के पीछे भागोगे तो ना दिमाग बंद हो जाएगा। अगर मान लो ज्ञान के पीछे भागोगे ना तो ज्ञान बढ़ेगा, और पैसा रोज का मान लो 100 पॉइंट का भी मिलता है तो आप 5 साल का उसका मैनिपुलेटिंग करो और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट गिनो, तो आपको सिमुलेशन थ्योरी के माध्यम से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने धीरे धीरे अमीर बन रहे हो। तो क्यों ना आप ये सोचो कि भाई मुझे सीख कर काम करना है, क्यों टिप के पीछे भागना ब्लाइंड गया। मगर मान लो नहीं आपके पास टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बंदा ढूंढ लो ना कि जो आपको सही मौका सही टाइम दे बोलने का। जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या बोला कि सर है ना आप बोलो तो मैं आपको वो टाइम पे बाई पोजिशन बनाता हूँ। बराबर, बाई किया नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना बता दूँ कि इन लोगों को सुबह सुबह 81 का लोअर जब दिया ना मैंने, तो इतना बता दूँ कि वो लोग है ना जो नीचे गिरा ना उसमें बच गए पहली बात तो, क्योंकि बॉटम से बाई करवाना और टॉप पे जाके सेल करवाना, यानी ये तो समझो भैया मेरे ब्रोकर की बहुत बड़ी छाल छाल पी है यहाँ पर। यार ब्रोकर को है ना, ब्रोकर को समझो क्या आता है बताओ आपको, सिर्फ डीमेट ओपन करना आता है बस, और कुछ नहीं आता है। डीमेट ओपन करो और कॉल दो, कॉल दिया, दो चार लोग कमाए, 5 6 लोग नुकसान किए, ब्रोकर तो कौन बन सकता है भैया। यहाँ पे इसलिए ना मेरा एजुकेशन पर्पज है, कॉन्सेप्ट एक है कि ज्ञान दीप माइंड पावर है। ज्ञान दीप माइंड पावर का मतलब ये है कि आपके माइंड पावर को एक्टिव करो। यहाँ पे आपको कोई न्यूज नहीं देखनी है, खुद की न्यूज बनाओ। आपकी वैल्यू जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक मार्केट में आपकी वैल्यू क्रिएट करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ इतना जरूर है कि आपकी वैल्यू को गिराने वाले 10,000 मिल जाएंगे, लेकिन आपकी वैल्यू को खड़ा करने वाला एक ही बंदा है, वो है आप, सिर्फ आप। तो क्यों नहीं ये संकल्प के साथ आगे बढ़ते। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम करता हूँ, अगर बुरा भला कुछ लगा हो ना तो माफ करना, और अच्छा लगा हो तो मेरे गुरु को प्रणाम करना। ये सारी बातें जो ना मेरे गुरु को चरणों में समर्पित करता हूँ। 11-12 तारीख को हमारे गुरु जी संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जो है ना वो पधार रहे अहमदाबाद में। अगर मान लो आपको गुरु की आशीष चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, और स्टॉक मार्केट में आपको नंबर वन आने की मान लो क्षमता हो और पैशन हो, आपको डेडिकेशन हो ना, तो ये जो चैनल है ना आपको बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। पैसा कमाने को अपना लक्ष्य कभी ना बनाओ, इतना जरूर बताओ कि बचने का अपना लक्ष्य बनाओ। मेरे करी मेरे ग्रुप के अंदर एक चीज को, एक दोस्त है मेरे योगेश जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनका कम से कम 5,000 लोगों का स्टाफ है, मैंने उनसे इतना बताया सर आप 5,000 स्टाफ रखो या 25,000 स्टाफ रखो या 500 लोगों का स्टाफ रखो, लेकिन इतना जरूर बता दो जो भी स्टाफ रखो ना उसमें 4 लोग ऐसे रखो, सिर्फ 4 लोग ऐसे रखने आपको कि जो आपको बचाने के लिए मानसिक रूप से मेंटली तैयार है, वैसे लोगों को चुनना है आपको। देख लो यहाँ पे टारगेट भी आ गया 111 बात बात के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये 49 का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, नहीं सॉरी 39 का फॉर्मूला दिया, 39 का टारगेट है यहाँ पर, तो ये नीचे कैसे आ सकता है। 119 को ये आ गया, अब इसका टारगेट जो 109 रुपये का टारगेट है, 122 ही चला जाएगा, ये 39 पर जाएगा, तब जाके पोजीशन कट होनी है यहाँ पर, बिकॉज का 39 इसका रजिस्ट्रेंस है। तो इस तरह से ना आपने क्या करना है, देखो भैया मुझे तो है ना बहुत अच्छा है, यानी यहाँ पर अपडेट देने आती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ पता है, देख लो लोभ लालच नहीं तो पूरा आता है ना, तो भी वो गंदी राजनीति जो है ना हमारी दिमाग के अंदर चलती है, मैं तो पूरा कमाऊंगा, मैं तो पूरा कमाऊंगा। देख लो आप अगर सच्चे हो ना, आपका मन और आत्मा अगर सच्ची है ना, आपने जो भी किया ना अभी वो सही में आत्मा से किया, किससे किया, आत्मा से किया। अब वो 5 रुपए की मूवमेंट है वहां पर, मुझे लॉस कहीं है ही नहीं है मान लो, तो ये जो टारगेट है ना मैं क्या करूंगा बताया, इसका 109 रुपये टारगेट लगा दूंगा, बहुत नजदीक का टारगेट 108 रुपये टारगेट, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने लिया था कहाँ से भैया, 93 से 94 से मैंने ये लिया था, पर ऐसे तो नीचे से लिया था, 66 59 से ही नहीं लिया था। अब 59 का फॉर्मूला देख लो कहाँ जा रहा है, कहने का मतलब सिर्फ फॉर्मूले पे काम करें आप दोस्तों मेरे। अगर ऐसे ही मार्केट में उठ पटांग हरकत करने गए कहीं, तो दोस्तों मेरे अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया ना टारगेट पे आपने आके, तो मार्केट जो है ना 2 बार बॉटम देता है ना, उसमें आउट द मनी के सारे प्रीमियम ले लेता है। इसलिए गुरु करे और गुरु के चरणों में रहे, और गुरु जो आपको ज्ञान दे उस ज्ञान को फॉलो करे, प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। अब मेरी वीडियो और वाणी का विराम करता हूँ, थैंक यू, इतना शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।